अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं कि विंडो 10 को IDEAM के साथ कैसे डाउनलोड करना है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा क्योंकि IDEAM से डाउनलोड करने की जरूरत क्यों हमें पेश आती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं जी, जब माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो वो कहता है जी टूल को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद ना वो बहुत स्लो प्रोसेस चलता है और काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप IDEAM के साथ कैसे डाउनलोड करेंगे और स्पीड क्योंकि तेज़ है उसकी, आप जल्द से जल्द उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सबसे पहला काम यह करना है कि आप ग्राफिकल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मैं आपको गूगल पर बताता हूँ, चलते हैं गूगल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखेंगे विन 10 या विंडो 10, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें। सबसे पहली साइट ये जो आएगी ना, ये तो आपको पता ही होगा, microsoft.com सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ये वाली आपने डिस्क की इमेज ISO फाइल, इस पर क्लिक कर दें। अब आप देखें, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डाउनलोड टीम की ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है जी, पूरा आप देख लें। अगर मोर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर भी विंडो इनसाइडर साइट, वॉल्यूम लाइसेंस और डाउनलोड की ऑप्शन कहीं भी नहीं है। ठीक है जी, आप सबसे पहला काम यह करें, माउस का राइट क्लिक करें और ये जो आपको इंस्पेक्ट नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आप ये ऊपर ये आइकन मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आइकन है ठीक है जी, आपने इस पर क्लिक करना, ये ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद अब आपने एक दफा इसको रिफ्रेश करना है। ले जी, हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आप इसको क्रॉस से बंद कर दें यहां से। ठीक है जी, अब आप नीचे ये देखें, ये हमारे पर एक कंफर्म की ऑप्शन आ चुकी है। यहां पे कह रहा जी सिलेक्ट एडिशन, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और यहाँ से आप सिलेक्ट करें विंडो 10 मल्टी एडिशन ISO। ठीक है जी, उसके बाद आप ये नीचे कंफर्म है, आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद ये जी सिलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज, ये आपको कह रहा है कि आप कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्लिक करें और आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है जी, तुर्किश है अगर आप, स्पेनिश है, ठीक है जी, रोमानियन है, पोलिश, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, मैं फिलहाल यहाँ से इंग्लिश इंटरनेशनल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आप कंफर्म पर दोबारा क्लिक कर लें, तो थोड़ा सा टाइम लेगा इधर। ये ले जी विंडो 10 इंग्लिश इंटरनेशनल। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप 32 बिट को डाउनलोड करना चाहते हैं या 64 बिट को। अगर आपका पीसी के अंदर रैम जो है 4 GB से कम है, ठीक है, तो आप 32 बिट को ही डाउनलोड करें। ठीक है जी, अगर आपके पीसी में 4 GB या इससे ज़्यादा है तो आप 64 बिट को डाउनलोड करें। ये 4 GB तक सपोर्ट करता है, या 4 GB से कम है तो आप इसको डाउनलोड, अक्सर ये होता है कि 2 GB रैम होती है तो वो 64 बिट को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, कहते हैं जी विंडो खराब है। ये आपने ध्यान रखना, अगर आपकी 4 GB या उससे ज़्यादा है तो आप 64 बिट को डाउनलोड करें। सिंपल इस पर क्लिक कर दें। ले जी, ये डाउनलोडिंग की ऑप्शन आ चुकी है, 5.48 GB की ये फाइल है। यहाँ से स्टार्ट डाउनलोडिंग पर क्लिक करें, ये आपकी डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, मैंने नहीं करनी क्योंकि मैं इस वक्त विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ तरीका आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।